हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो हेयर डाई बना के दिखाऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल है, और इसमें मैंने बीटरूट का यूज़ किया है, एक में मैंने मेहंदी यूज़ की है और दूसरी में मैंने इंडिगो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों नेचुरल हेयर डाइज हैं। इसमें मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाऊंगी और इसमें एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ रिजल्ट भी शो करूंगी कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, ये दोनों नेचुरल तरीके हैं आपके बालों को काला करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएँ ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस न कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रेमेडी में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे बीटरूट यूज़ करूँगी और मेहंदी यूज़ करूँगी, और ये होगा आपके डार्क बरगंडी कलर के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे बीटरूट पील करके उनको काट के रख लिया है, और मैंने यहाँ पे ये हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर लिया है, ये घर पे बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये हाफ लेमन मैंने यूज़ किया है और एक बाउल मैंने मेहंदी की ली है। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने मेहंदी ली है, ये मैंने जो हाथों पे लगाने वाली मेहंदी होती है वो ली है। आप कोई भी हाथों पे लगाने वाली मेहंदी ले सकते हैं, और जो मिक्स वाली मेहंदी आती है जिसमें हर्ब्स ऑलरेडी मिक्स होती हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बरगंडी कलर के लिए इसको यूज़ करना है। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो बीटरूट है इसको मैं पानी डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और मैंने यहाँ पर कॉन्कशन भी बनाया हुआ है ग्रीन टी का। तो यहाँ पे पहले मैं सिंपल पानी डाल के इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से, और जो मेरा कॉन्कोशन है उसको मिक्स करके इसको मैं छान लूँगी ताकि इसका जो पूरा रस है वो मुझे मिल जाए और उसमें हम मेहंदी भिगो पाएँ। तो फ्रेंड्स, जो बीट रूट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, आपके बालों के हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के हेयर कलर को बूस्ट करता है और आपके हेयर लॉस को भी ये कम करता है। रूट होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ थोड़े से कॉन्कोशन को यूज़ करके यहाँ पर बीट रूट के जूस को पूरा छान लिया है, और छानने के बाद अब हम यहाँ बनाएंगे इसका पेस्ट। इसमें मैं मिक्स करूंगी हिबिस्किस पाउडर, एक चम्मच हिबिस्किस पाउडर यूज़ करूंगी, और मैं यहाँ पे एक बाउल मेहंदी का डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम मेहंदी डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जो आपके बालों में अच्छे से रुक पाए। और अगर आप चाहें तो इसका सिर्फ जूस ले सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोटा छलनी मैंने यूज़ किया है तो इसमें गूदा भी गया है, और अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ जूस ले सकते हैं कपड़े से छान के, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉन्कोशन यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी हमने इसको बनाना है। और हमने इसमें आधा लेमन जूस जो था उसको निचोड़ दूंगी, और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और रात भर के लिए इसको ढक के रख देंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने इसे धुले हुए बालों पे लगाना है। आपके बाल धुले हुए होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, आपकी स्कैल्प क्लीन होनी चाहिए, और आपने इसको अप्लाई करना है। आप मेरे एप्लीकेशन के वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने बालों पे इसको अप्लाई करना है और बन बना लेना है, और उसके बाद आपने शावर कैप पहनना है। शावर कैप के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए रखना है, और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ, और इसका जो कलर है वो आपके बालों पे बहुत अच्छा शाइन करेगा, और अगर आप धूप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके शाइनिंग आएगी क्योंकि इसमें हमने बीटरूट यूज़ किया है, और बीटरूट बहुत अच्छा प्यारा सा पिंक कलर देता है। लेकिन ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होगा, अगर आप इसको एवरी वीक यूज़ करेंगे तो आपके बालों में धीरे धीरे बरगंडी कलर होते दिखेगा और आपके बालों में अच्छा लस्टर वाला शाइन आएगा, जो कि दूर से ही शाइन करते हैं जो बाल, वो उस तरह का शाइन आएगा। तो इस तरह से आप इस पैक को यूज़ कर सकते हैं, और ये पैक था हमारा बरगंडी कलर के लिए। इसमें हमने इंडिगो यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने आंवला पाउडर यूज़ किया है। तो इसमें मैंने बीट रूट के बेनिफिट को लेने के लिए यहाँ पे आपको शो किया है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी में मैं आपको शो करूँगी कि हम इंडिगो को यूज़ करके कैसे हेयर डाई बनाएंगे। इसमें हम मेहंदी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडिगो और बहुत सारे और इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे जिससे आपके बालों में अच्छा सा कलर आएगा। मैंने हिना और इंडिगो के काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें लोग कहते हैं कि हिना और इंडिगो 2 स्टेप करने में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ब्लैक कलर हो जाते हैं। लेकिन हिना और इंडिगो इस ठंड के मौसम में करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, और ठंड लगने के भी चांसेस लगते हैं। तो और कुछ लोग हिना लगाना पसंद नहीं करते और पूछते हैं कि खाली इंडिगो से हम अपने बालों को काला कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं और
मैं इस वीडियो में आपको बिफ़ोर और आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक और देखें कि मैंने कैसे इसका पेस्ट बनाया है और कैसे अप्लाई किया है और मेरे बाल पहले कैसे थे और बाद में कैसे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर ये मैंने घर पे बनाया हुआ है और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हिबिस्कस पाउडर यहाँ पे लिया है अपने बालों को स्मूथनेस देने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिगो लगाने के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी मैंने कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स इसमें यूज़ किए हैं जिससे कि आपके बाल इसको लगाने के बाद ड्राई नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है हिबिस्कस पाउडर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक टी लीव्स। ब्लैक टी की ये पत्तियाँ हैं, ये जो हम घर में चाय बनाते हैं उसकी पत्तियाँ नहीं हैं, ब्लैक टी अलग होती है उसकी पत्तियाँ हैं। और मैं ले रही हूँ ग्रीन टी की लीव्स। ये ग्रीन टी की लीव्स भी मैं कंडीशन करने के लिए ले रही हूँ बालों को, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और ये मैं ले रही हूँ कत्था। कत्था से हमारा बालों का कलर डार्क हो जाएगा, तो ये मैंने थोड़ा सा कत्था तोड़ लिया है, क्रश किया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉफ़ी बीन्स। ये कॉफ़ी बीन्स हैं, इसको भी मैं क्रश करके पानी में उबालूंगी। और मैंने यहाँ सब चीज़ें एक एक चम्मच ली हैं। और ये मैंने लिया एक छोटा सा बीट रूट जिसको मैंने छील के काट लिया है। और बीट रूट हमें ज़रूर लेना है। इनमें से आप हिबिस्किस पाउडर और ग्रीन टी स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं लेना चाहते हैं। आपने एक पैन में एक गिलास पानी डालना है। पहले मैं हिबिस्किस पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डाल रही हूँ ग्रीन लीव्स, ब्लैक लीव्स, ब्लैक टी लीव्स, बीट रूट। ये दोनों थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में नहीं है, हार्ड फॉर्म में है, तो इसे मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। अब देखेंगे कि ये इजीली क्रश हो जाता है। इसको थोड़ा सा हमने क्रश करना, पाउडर फॉर्म में करना है तो उबलने में दिक्कत नहीं हो। अब आपने इन सबको उबालना है और उबालने के इसको तब तक उबालना है जब तक कि आपका पानी 1/3 से भी थोड़ा सा कम ना रह जाए। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ आपने एक मिक्सी के जार में डालना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मिक्सी में उसको अच्छे से पीस के पेस्ट तैयार कर लेना है और इसको एक कांच के बाउल में डाल लेना है। और कांच के बाउल में डालने के बाद हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है इंडिगो पाउडर। अब आप सब ये बोलेंगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं तो हम कौन सा स्किप करें और कौन सा लगाएं या कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे भी डाले हैं जिससे कि इंडिगो लगाने के बाद जो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं वो भी ना हो। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप इन सब में से बीट रूट, ब्लैक टी, कॉफ़ी पाउडर, कत्था और इंडिगो, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप स्किप नहीं करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी और हिबिस्किस पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको मिक्स करके अच्छे से आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और जो लोग हिना लगाते हैं वो इसमें 2 चम्मच हिना के भी डाल सकते हैं, ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको पेस्ट बनाना है। कंसिस्टेंसी उतनी लानी है जितनी आप लगाते हैं और जो बहे ना आपके बालों से। और इसको पेस्ट बनाने के बाद हमने प्लास्टिक के रैपर से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। मैंने इसमें हिना नहीं डाली है, वो मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए हिना नहीं डाली है। और अगर मैं प्रेफरेंस दूँ तो मैं इसमें 2 चम्मच हिना भी डालूंगी। और अगर आप चाहें तो हिना डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आप हिना को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बालों में वाइट कलर देख सकते हैं, ये मेरे रूट्स में है, तो मैं इसमें रूट्स में टचअप करने के लिए मैंने इसको प्रिपेयर किया है। मैं पूरे बालों पे इसको नहीं लगाऊंगी, मैं रूट्स से अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे रूट्स पे ही ज़्यादा वाइट बाल आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है। तो इसको मैंने, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं वैसे ही आपने सेक्शन वाइज अपने बालों में इसको अप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा ये थिक फॉर्म में रहेगा, उस तरह से नहीं चिपकेगा जिस तरह से हिना और इंडिगो चिपक जाता है। तो आपने केयरफुली इसको पूरे बालों में
तो आपने केयरफुली इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको कम से कम 2 घंटे आपने अपने बालों पे रखना है। और 2 घंटे के बाद आपने इसको प्लेन पानी से वॉश करना है, आपने इसमें शैम्पू नहीं लगाना है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आप जब भी हिना, इंडिगो या कोई भी डाई लगाते हैं तो आप अपने क्लीन हेयर पे इसको अप्लाई करें, क्योंकि क्लीन हेयर में हमारे बालों में डस्ट नहीं होती है, ऑयल नहीं होता है, जिससे कि जो भी हम डाई हम लगाते हैं अपने बालों में उसका असर अच्छा होता है। हम कई बार आलस कर जाते हैं कि हमने इंडिगो लगाने के बाद बाल तो धोने ही हैं तो हो गया, जो जैसे बाल हैं हम वैसे ही लगा लेते हैं, जितना कलर चढ़ेगा उसके बाद हम अपने बालों को वॉश कर लेंगे। बट इससे हमारे कलर पे फ़र्क पड़ता है और हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसीलिए आप जब भी हिना, इंडिगो या कोई भी और डाई लगाएं तो आप अपने बालों को हमेशा धो के ही लगाएं। और मैंने अपने बालों को वॉश किया है, वॉश करने के बाद मैंने जब ये ड्राई हो गए तो ये इंडिगो पेस्ट लगाया है और कम से कम 2 घंटे मैंने इसको रखा है। और इसको रखने के बाद मैंने इसको प्लेन पानी से वॉश किया है, और प्लेन पानी से वॉश करने के बाद मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। और आप जानते हैं कि इंडिगो का जो कलर है वो 1 से 2 दिन में डार्क होता है, तो अभी ये मेरा इंस्टेंट कलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इंस्टेंट मीन्स अभी मैंने वॉश किया है और ये कलर 2 दिन में और भी डार्क हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सबके बाल अलग होते हैं, सबके बालों का टेक्सचर अलग होता है, सबके बालों में वाइट कलर कितने हैं वो भी अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको एक बार में रिज़ल्ट ना आए तो निराश होने की बात नहीं है, आप इसको वीकली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जिससे कि आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। तो आप अगर वीकली भी स्टार्टिंग में इसको यूज़ करते हैं तो आपके जो बालों का कलर है ब्लैक हो जाएगा। और जब अच्छे से इसके, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।